के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने आगरा ताजमहल में उन्हें जाने से रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भगवा पहने होने की वजह से उन्हें रोका गया। हालांकि अफसरों का दावा है कि जगतगुरु को लोहे का ब्रह्म दंड अंदर ले जाने से मना किया गया था। विवाद बढ़ने पर अफसरों ने माफी भी मांग ली। परमहंस आचार्य का कहना है कि वो ताजमहल में दबा शिवलिंग देखने पहुंचे थे। शाम 5:35 बजे वो अपने शिष्यों के साथ ताजमहल में प्रवेश करने लगे तो वहां मौजूद CISF जवानों ने उन्हें रोक दिया। उनके भगवा कपड़ों और लोहे के ब्रह्म दंड को लेकर आपत्ति जताई गई। यहां बातचीत होने के बाद उनके टिकट ले लिए गए। उनके शिष्य ने जब उनकी फोटो खींचने का प्रयास किया तो मोबाइल छीनकर फोटो डिलीट करवा दिए गए। हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूं तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम।